नमस्कार आप सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा और हमारे चैनल एम्ब्रिट बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्किन केयर के बारे में बताऊंगी, मगर उससे पहले आपको, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आइए जानते हैं। फेस केयर के बारे में आज आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, मैं फेस वॉश से क्लीन की हूँ अपने फेस को, और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। ये देखिए, सिर्फ टॉवल से मैं अपने फेस को साफ़ की हूँ, पानी जो है उसे साफ़ कर लिया। उसके बाद आप एक क्लिंजर लीजिए, इससे अपने फेस के ऊपर जो डस्ट वगैरह है जमे हुए, उसे ये क्लीन कर देते हैं। इस तरह से आप लीजिए, क्योंकि ये जो आर्टिस्ट्री का है, ये थोड़ा सा ही लेना पड़ता है। ये इस तरह से आप हेड फोर पे, नोज पे, चिन पे और दोनों चिक पे लगाइए और इसको अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। अच्छी तरह से स्किन में खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और इस तरह से जितने डस्ट हैं जमे हुए वो हट जाएंगे। ये देखिए, और इसे फिर कॉटन से गीला करके आप साफ कर लीजिए। इस तरह से स्किन को आप साफ कर लीजिए और फिर इसको सुखा लीजिए। इसके बाद आप टोनर लीजिए, जो आपके रोम छिद्रों में जो गंदगी सब हैं उसे क्लीन करते हैं। और इस तरह से आप एक कॉटन लीजिए और इस पर आप इस तरह से डिप करिए तीन बार, तीन से पांच बार। ये देखिए, और ये गीला हो चुके हैं, और इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से स्किन को आप क्लीन करिए। इस तरह से आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, और कुछ नेक को छोड़ दें, नेक को भी आप क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, नेक भी हो गए साफ। इसे सूखने दीजिए अपने आप। फिर टोनर के बाद आप स्क्रब लीजिए और इसे फेस को साफ करूँगी, जैसे मसाज करेंगे। और इसमें मिला हुआ जोजोवा बीट्स, जो एक जेल और उसमें दानेदार है, जिस जो आपके पोर्स में अंदर में घुल जाएंगे, जिससे स्किन को ग्लो और शाइन करेगा। और आप किसी और भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, मगर मैं इसी ब्रांड का यूज करती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल है, आर्टिस्ट्री। ये देखिए, इस तरह से आप लीजिए ये देखिए ये जेल में है और इसमें देखेंगे दाने दाने से हैं। अब मैं इससे कर रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से लगाइए और फेस पे, और हल्के हाथों से मसाज करिए और थोड़ा से पानी लीजिए फिंगर्स में, और इस तरह से जिग जैग आप मसाज करिए इस तरह से। फिर ये इस फिंगर से आप आंखों के पास इस तरह से 8 बार इस तरह से मसाज करिए। फिर इस तरह से मसाज करने के बाद 8 बार फिर आप इसे राउंड घुमाइए। एट टाइम यू। इस तरह से घुमा के आप आइस को क्लीन और साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने चिक के ऊपर इस तरह से घुमाइए 8 टाइम यू और 8 टाइम यू। इस तरह से आप साफ करिए। इस तरह से फेस के ऊपर आप अपने चिक को इस तरह से आप मसाज करिए, और जब भी आपका हाथ रुकने लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी लगाइए और इस तरह से मसाज करिए 8 बार। और यहाँ से ऐसे ले जाना है,
फिर इस साइड का करिए, इस तरह से ऐसे करूंगी। फिर नोज को इस तरह से आप क्लीन करिए। इस तरह से आप मेरे अपर लिप के पास इस तरह से करिए। ये स्टेप फेशियल करने की है, इस तरह से आप करिए। और इस तरह से आप अपने चिक को इस तरह से साइड की तरफ दबाएं हल्की हाथों से, और फिर उसके बाद ऐसे बनाइए अपने हैंड को, और इस तरह से लीजिए और बिल्कुल ऐसे दबाइए, फिर दूसरे हैंड से इस तरह आप दबाएं। 8 बार करने हैं। अब फिर नेक के लिए आप इस तरह से करिए 8 टाइम। इस तरह से आपकी स्किन का फेशियल होते हैं, और हफ्ते में 2 बार लगाइए, जिससे आपके फेस ग्लो और शाइन करेगा। और CTM को आप दिन में 2 बार लगाइए, जिस तब देखिए आपका फेस ग्लो और शाइन करेगा। अब जो इसके अंदर जो बीट्स थे वो धीरे धीरे फेस के अंदर मिल रहे हैं और स्किन के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप जिग जैग हेड फोर से करिए। पास आपको ब्लैक हेड्स हैं, तो इस नोज के पास आपको साइड में देखते होंगे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए आप इस तरह से फिंगर से इस तरह से रगड़िए, और इस तरह से रगड़ने के बाद वो हट जाएंगे। और रिंकल्स अगर आप इससे करते हैं मसाज, तो आपको रिंकल्स नहीं होंगे, डार्क सर्कल नहीं होंगे और दाग धब्बे नहीं होंगे फेस के ऊपर। ये हफ्ते में 2 बार आप इससे मसाज करिए। ये देखिए हो चुके हैं, मैं इसे वॉश कर रही हूँ पानी से। मैं स्किन को धो के आई हूँ, वॉश करके अब मैं इसे टॉवल से साफ कर रही हूँ। ये देखिए फेस मास्क है, इसे चेहरे के ऊपर लगाएंगे, आंखों के ऊपर मत लगाइए। इसके लगाने से स्किन साफ होता है और वाइट करता है स्किन को, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इस तरह से मैं लगाएंगे पूरे स्किन पे। इस तरह से आप फेस के ऊपर लगा लीजिए, नेक पे लगा लीजिए, और 10 से 15 मिनट में सूख जाएंगे, तो फिर इसे आप वॉश कर लीजिए। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब सूख चुके हैं। अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ पानी से। ये देखिए वॉश कर चुकी हूँ, अब मैं इसे साफ कर रही हूँ पानी को। ये देखिए मास्क लगाने के बाद हमारा फेस देखिए वाइट और कितना शाइन कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा सबसे फेवरेट है लोशन, जिसे हम मैं स्किन पे लगाऊंगी। लोशन हमारे स्किन के बेस्ट पार्ट है, जो हमारे स्किन को ग्लो और शाइन करता है। इसको आप बहुत थोड़ा सा बस लीजिए और इस तरह से आप लगाइए, और अच्छी हल्की हाथों से इस तरह से फेस के ऊपर आप मसाज कर लीजिए। देखिए और हमारा स्किन देखिए पहले और अब में देखिए कितना अंतर है, और दिन में अच्छी तरह से ये मेल्ट हो चुके हैं। और ये देखिए अब बिल्कुल ग्लो और शाइन कर रहे हैं हमारे स्किन, और देखिए पहले से अलग दिख रहा होगा हमारा स्किन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।